Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें an academy पे follow कर सकते हैं. Hello, good. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study में. तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है डेली मंडे टू सैटरडे आपकी एक इंपॉर्टेंट क्लास होती है जो कि होती है सुबह 8 बजे एक डेली करंट अफेयर की जिसके अंदर अपन काफी कुछ कवर करते हैं जो कि अपने जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उनमें से न्यूज़ साथ में पीआईबी से और बहुत सब जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है उन सभी को कवर करते हैं. तो हमेशा की तरह आज भी यही करने वाले हैं. सबसे पहले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको दिए थे उनको कवर करेंगे. उसके बाद देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर क्या क्या आज है जो कि आपके जानने के लिए बहुत जरूरी है. इसके अलावा दोस्तों सुबह 5 बजे का भी मैंने वीडियो आपको दे रखा है करंट अफेयर के क्वेश्चन का, तो उसको भी देखा कीजिए, आपको काफी कुछ नया और सीखने को मिलेगा. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने कल आपको था उसको देख लेते हैं. क्या था? फिफ्थ नेशनल समिट ऑन पब्लिक हेल्थ केयर इज हेल्ड इन. तो नेशनल समिट हुआ था एक पब्लिक हेल्थ केयर में, ये कहां पे हुआ था? तो मैंने आपको बताया था काजीरंगा के अंदर हुआ था, आसाम के अंदर. तो आपका आंसर क्या होगा? बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट वॉज ओपन इन. दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां पे ओपन हुआ है? टर्की के अंदर, इस्तांबुल. तो ये आपका यहां पे सही आंसर है. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग की बात करी थी हमने जो कि काफी पुअर थी और 124 इंडिया की रैंकिंग है. लेट्स सी अनदर वन. और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका श्री नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन फॉर इंडिया लार्जेस्ट ड्राई डॉक इन. लार्जेस्ट ड्राई डॉक कहां पे? केरला के अंदर. नेक्स्ट Where is the headquarter of CII? CII का headquarter कहां पर है? New Delhi के अंदर. Next था the former Chief Minister of Delhi who passed on October 27th is. तो कौन चले गए थे? मदन लाल खुराना जी की अभी recently निर्धन हुआ है. The fifth National Summit on Good and Replicable Practice and Innovation in the Public Healthcare System has started in which state? इसके बारे में हमने बातचीत करी थी. Repeat question है और ये इसका आंसर क्या होगा? आसाम इसका सही आंसर होगा. According to the Standard Chartered, the Emerging Affluent Study 2018, which is the most invested savvy economy. Most invested savvy economy कौन सी है? वो है इंडिया. यानी कि ए आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है. Next है name of the Union Minister who laid the foundation for India largest dry dock at Kochi Shipyard in Kerala. तो एक तो सबसे पहली बात इंडिया का लार्जेस्ट ड्राई डॉक कहां पे? कोची शिपयार्ड में. कहां पे? केरला में. और किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया? नितिन गडकरी जी के द्वारा इनको इसको इनॉग्रेट किया गया. विथ विच कंट्री द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिनटेक. तो JWG जो है ऑन फिनटेक कहां पे? सिंगापुर के अंदर हुई. यानी कि बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर है. अब देखते हैं दोस्तों क्वोट ऑफ द डे क्या है. एक बहुत ही अच्छी बात है जो कि बोली गई है. Life doesn't require that we be the best, but only that we try our best. तो जरूरी नहीं दोस्तों कि आप हमेशा बेस्ट ही बने रहे हर चीज के. सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अपना बेस्ट देना. अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो आपको जो सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा अपने लाइफ के अंदर और वो उससे बढ़कर कुछ नहीं यार. वो आपको हमेशा हैप्पी रखेगा, आपको हमेशा एनर्जेटिक प्रोवाइड करेगा और हमेशा आपको मोटिवेट रखेगा. ओके हमेशा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्राई करना. अगर आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे जब तक कोई भी चीज बेस्ट नहीं होगी. ओके और जब आप ट्राई करने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है चीजें होती है कई बार नहीं होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा कि अपने आपको पूरी तरीके से किसी काम के अंदर लगा देना. एंड वी हैव टू ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट. और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो आने वाला एग्जाम है 6 महीने के अंदर बहुत सारे एग्जाम है गाइज, आप सभी को मालूम है SSC के एक के बाद एक पेपर होने वाले हैं. उसके अलावा आपके स्टेट के बहुत सारे पेपर होने वाले हैं. एक सिंपल से बात बता देता हूं, लोकसभा इलेक्शन से पहले हर राज्य के अंदर बहुत वैकेंसीज आएगी क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट हर सेक्टर के अंदर वैकेंसीज लेके आएगी गवर्नमेंट जॉब की. तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप ही 6 महीने 8 महीने लग के पढ़ाई कर लो यार. घंटे वंटे मत देखो, 4 घंटे 6 घंटे
इंपॉर्टेंट है, कोई फेस्टिवल वेस्टिवल मत देखो और जम के पढ़ाई करो, अपना बेस्ट दो ताकि 8 महीने बाद में जब आप जब वैकेंसी ना हो या कम हो जाए तो आप कम से कम सेटिस्फाई रहो कि मैंने पिछले 6 महीने में बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करी और एक ना एक जॉब मेरे को जरूर मिलेगी। उसके बाद में जो भी आपको अपनी रिक्वायर्ड जॉब है जिसमें आपको जो आपको पसंद है आप उसकी प्रिपरेशन करते रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे करेंगे। साथ में दोस्तों आपको मालूम है दिवाली आने वाली है और मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि फटाकी और ये जो क्रैकर्स है उसको ना फोड़े और कोशिश करें कि अपने घर में भी ऐसा ना करने दे। कोई बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं समझते नहीं है तो उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर थोड़े मेच्योर है आपके घर में तो प्लीज ट्राई की ग्रीन दिवाली मनाएं और एक दूसरे के साथ में अच्छे से सेलिब्रेट करें, पॉल्यूशन ना करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का अपना जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट पेज पे काफी कुछ है दोस्तों देखने के लिए आज, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है गवर्नमेंट को कि वो राफेल डील के ऊपर जो नॉन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करें। तो देखिए कई सारी ऐसी नॉन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम प्राइस नहीं बता सकते क्योंकि हमारे दोनों देशों के बीच में फ्रांस और इंडिया के बीच में क्या है पैक्ट साइन हुआ है। गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला चलो ठीक है आप ये मत बताइए प्राइस हम डिस्क्लोज आप मत करिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि जो ये टेंडर है उसका प्रोसीजर क्या था, किसको मिला, क्यों मिला, रिलायंस को क्यों दिया गया, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले तो ये आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को दे दिया है। दूसरा, यहाँ पे 16 पीएससी के जवान थे जिनको गिल्टी प्रूव किया है, ठीक है, यहाँ पे हशीमपुरा मैसेकेयर के अंदर। आज से 30-35 साल पहले दोस्तों एक बार क्या हुआ था कि काफी लोगों को है ना यूपी के अंदर गन डाउन यानी कि गोली मार के उनकी जो डेड बॉडीज है उनको गंगा में बहा दिया गया था। आज 30-35 साल बाद में ये जो लोग हैं, ये जो जवान थे, इनको कल्प्रिट घोषित किया गया है। ओके, तो बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम है, बहुत ही मैसेकर क्राइम है, मतलब ये इतना बड़ा क्राइम है कि मैं इसके ऊपर ज्यादा आपसे बात भी नहीं कर सकता। ओके, इतना ज्यादा पैथेटिक है ये चीज। दूसरे बात करें तो यहाँ पे अकबर जो है उन्होंने बोला है मीटू एलिगेशन सारे फॉल्स हैं। इसके अलावा जेएनयू स्टूडेंट है, उसको एक ऑटो रिक्शा दिल्ली में उसने हैरेस किया, एक फॉरेनर स्टूडेंट थी, वाली न्यूज है दिल्ली की। यहाँ पे आपको पता है कि पटेल जी का जो स्टैच्यू है उसको मोदी जी ने अनवील किया है, ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज है। ओनली ग्रीन क्रैकर से कैन बी सोल्ड इन दिल्ली, दिल्ली और एनसीआर का जो एरिया है वहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्रैकर। ग्रीन क्रैकर कौन सा पटाखे है जिसके अंदर 30-40% जो पॉल्यूशन है उनसे कम होगा, कम से कम 30-40% पॉल्यूशन कम होगा। उनके अंदर जो कंटेंट यूज किया गया है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज करे गए हैं वो सारे क्या है थोड़े से सेफर जोन के अंदर है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मली यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसलिए उनको ग्रीन क्रैकर जो है वो नाम दिया गया, सिर्फ वही दिल्ली में फोड़ना अलाउ किया गया है। यहाँ पे भारत के लिए एक गुड न्यूज है जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, उसके अंदर भारत ने वापस से इस साल बहुत अच्छी जंप मारी है और 77 नंबर पे पहुंच गया है। तो इसी बारे में बात करेंगे, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है आपके 101% आने वाले जो 6 महीने के अंदर जो एग्जाम है उन सभी एग्जाम्स के अंदर मेजरली आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में जब भी पेपर बनते हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइड जो होती है अपने जो अच्छी रैंकिंग होती है या तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग हो या बहुत ही खराब रैंकिंग हो, ये दोनों तरीके के सवाल बनते हैं। क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपको ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखनी होती है कि इंडिया किस चीज में आगे है और इंडिया किस चीज में पीछे जा रहा है, इसीलिए सवाल आगे और पीछे दोनों के बनते हैं। तो इंडिया ने क्या किया, 23 रैंकिंग की जंप मारी है। वर्ल्ड बैंक एक रिलीज करता है इंडेक्स जिसको बोलता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, जिसका मतलब होता है कि आपके देश के अंदर कितना बिजनेस करना कितना आसान है, समझ गए। तो 2018 के अंदर भारत की रैंकिंग 77 है, 2017-2016 के अंदर तो बिल्कुल ही खराब थी, कोई 125 से भी ऊपर की रैंकिंग थी। 2017 से बताता हूं मैं आपको, 17 से हो गई 100 रैंकिंग, ये भी काफी अच्छा जंप मारा था। 2018 के अंदर अभी हो गई 77, ठीक है। तो अगर आप आज से कुछ साल पहले देखोगे तो जो फॉरेनर्स थे, जो बाहर के लोग थे, वो भारत में इन्वेस्ट करने से डरते थे क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे अपने, मतलब अगर आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो बाबू से करप्शन स्टार्ट होगा और ऑफिसर तक जाएगा, आपके काम डिले होंगे, आपको पैसा खिलाना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेबर से लेकर लॉस से लेकर 50 तरीके के लॉस फाइल करने पड़ेंगे, बिजली वाले से लेकर हर आदमी को पैसे खिलाने पड़ेंगे, तो बड़ा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन भारत इतने क्या किया है, थोड़ी बिजनेस को स्टार्ट करने को लेकर देखिए रैंकिंग इंप्रूव करी, क्रेडिट को लेकर इंप्रूव करी, पेइंग टैक्सेस को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बॉर्डर ट्रेड हो गया, ठीक है, माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को लेकर, कंस्ट्रक्शन परमिट को आसान बना दिया गया है, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को आसान बना दिया गया। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे पैरामीटर्स के अंदर काम करके भारत ने इसके अंदर अपनी जो रैंकिंग है वो काफी इंप्रूव कर ली है। और मेजरली जो रिफॉर्म आया ना वो आया कि जो छोटे बिजनेस थे, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो थे, उनको काफी आगे बढ़ाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। तो उस वजह से जो ये रैंकिंग है वो काफी जंप करी है। तो ये एक पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे की तरफ, पेज नंबर 2 की तरफ देखते हैं। यहाँ पे एक जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर फ्लैग्स ऑफ सौभाग्य रथ।
तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने क्या किया, एक फ्लैग ऑफ करी है एक सौभाग्य रथ नाम से, जो कि 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएगा और जितने भी घर है जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है उनके बारे में पता करेगा और फिर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जो काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए सौभाग्य रथ है ये कहाँ पे चलाया गया है, कौन से राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू एंड कश्मीर होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव करने के लिए उन्होंने ये किया है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी साइन कर रहे हैं, जो विजिटर डायरी होती है उसके उसको, और यहाँ पे इतना बड़ा जो स्टैच्यू है वो डेडिकेट किया गया है नेशन को, और यहाँ पे काफी कुछ चीजें हैं जो कि लिखी हुई है, यहाँ पे काफी इन्फॉर्मेशन है। एक तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, एक इसके बारे में करेंगे, अनुपम खेर ने FTII से रिजाइन कर दिया है, ठीक है, जान के थोड़ी सी हैरान हुई लेकिन क्यों किया है, क्या रीजन था इसके पीछे, वो सभी अपन थोड़ा सा पता करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो 182 मीटर है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेपर में किस तरीके के सवाल बनेंगे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, पहली बात तो आपको इसकी लेंथ के बारे में पूछेंगे, दूसरा क्या होता है दुनिया में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उसका भी बड़ा क्रेज है पूरी दुनिया भर में, तो इसकी भी जो लेंथ है वो आपसे पूछेंगे। तो ये कितने का है, 93 मीटर का है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो ये भी आपसे पूछेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछेंगे जो ये पूछ सकते हैं, और ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर है, सरदार सरोवर डैम भी दिखता है, नर्मदा नदी के ऊपर है, ये सब आपको पता ही है। इसके अलावा टिकट जो है वो 120 रुपये रखी गई है नॉर्मली देखने के लिए, और 350 रुपये रखी गई है अगर आपको ऊपर जाके, यहां तक जाके अगर आपको देखना है, तो ये देख सकते हैं ना आप, गैलरी बनी हुई है, अगर आपको यहां से देखना है तो 350 रुपये लगेंगे, और 13 मंथ लगे हैं डिजाइनिंग के अंदर, 33 मंथ का कंस्ट्रक्शन टाइम है। कॉस्टिंग आपसे पूछेंगे, 3000 करोड़ रुपए है इसकी कॉस्टिंग, जो कि टोटल आई है 2989 टू बी मोर है एग्जिट, ओके 2989 करोड़ है जो कि टोटल कॉस्ट आई है इसकी। चलिए तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है, बाकी कितना स्टील लगा कॉन्क्रीट लगा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बिन बात की बुद्धि मत लगाइएगा। चलिए आगे चलते हैं, जो कि अनुपम खेर के बारे में देखते हैं। अभी आपको पता है गजेंद्र चौहान की काफी टाइम तक क्रिटिसाइज किया FTII के बच्चों ने, वहां पे वो किया था प्रहलाद, ठीक है, एक तो प्रहलाद निहालनी जो कि एक तो ठीक है CBI जो अपने वो था फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, तो उनको वहां काफी मुद्दा हो रखा था तो उनको भी हटाया गया, और साथ में प्रहलाद जो ये जो गजेंद्र चौहान है जो कि FTII के चेयरमैन बने हुए थे, तो बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, महीनों तक बच्चे वहां पे भूखे प्यासे रहे थे, उनके हटाने के बाद में अनुपम खेर को सरकार ने FTII का कार्यभार दिया था। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि चेयरमैन बने रहे काफी टाइम से FTII के, लेकिन अब वो अपनी जो सर्विसेज वो वापस दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके कुछ कमिटमेंट्स हैं जो कि किस कुछ एक हॉलीवुड की सीरीज है, ठीक है, न्यू एम्स्टरडम करके एक उनके सीरीज है जो कि आ रही है वहां पे, उसको लेकर काफी टाइम तक उनको वहां पे रहना पड़ेगा 8-10 महीने तक। अभी सिंपल सी बात, इतने टाइम तक वहां पे रहोगे तो आप FTII के जो चेयरमैन बन रहे हो इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि आप अपने रोल निभा नहीं पाओगे। तो इन्होंने बोला है कि मेरे वहां पे जो बॉन्ड है उसकी वजह से मैं इंडिया के अंदर जो अपनी सर्विसेज है वो नहीं दे पाऊंगा, और कुछ टाइम आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन से पहले इनकी मनमोहन सिंह के ऊपर एक मूवी भी आ रही है, ठीक है, जो कि संजय भारू है उनके द्वारा लिखी गई है जिसके अंदर ये अनुपम खेर बने हैं, ठीक है, तो इन्होंने बोल दिया है कि मेरे पास ज्यादा टाइम मैं दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मेरा बने रहने का कोई मतलब नहीं है। जो पर्सन अपना टाइम दे सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सके, अकाउंटेबिलिटी दे सके, उनको आप बनाइए। तो उन्होंने जो अपना रिजाइन है वो दे दिया है मिस्टर राठौड़, जो राठौड़ जी को, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को, तो और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने थैंक यू कहा है अनुपम खेर जी को कि जितने टाइम तक उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करी है उसको लेके। INB मिनिस्ट्री आपको पता ही है अभी वही देख रहे हैं ना, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब जो नए कॉइन अपॉइंट होते हैं वो भी देखते हैं दोस्तों। इंडिया के देखिए दो सबसे जो प्रेस्टीजियस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, ये इसकी फुल फॉर्म है, कहां पर है ये, पूरे के अंदर है। अगर आप इंडिया के जो लीडिंग एक्टर्स, जो जबरदस्त एक्टर्स, अनुपम खेर से लेकर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, या फिर आपके जो ये भंसाली हो गए, मतलब जितने भी आप जानते हो अपने नसरुद्दीन शाह से लेकर, जितने भी आप अच्छे से इरफान खान से लेकर, ये सभी दो ही इंस्टीट्यूट से पास आउट होते हैं, या तो एक NSD है, ठीक है, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये तो है दिल्ली के अंदर जहां से इरफान खान, अनुपम खेर, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये सब लोग पास आउट हुए हैं, ठीक है, इरफान खान और ये सब यहीं से हुए, और एक है पुणे में FTII। ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां से जो क्रीम जो अपने एक्टर्स होते हैं वो यहीं से निकलते हैं, मतलब यहाँ पे एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप की जाती है, ओके। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट आपको ध्यान रखने हैं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला देखते हैं जो कि एक डील है जो कि बायोफ्यूल के लेकर हुई है। अभी आपको पता है दोस्तों बायोफ्यूल के ऊपर रिसर्च है ना वो बहुत काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ताकि किसी ना किसी तरीके से बायोलॉजिकल जो इतनी चीजें हैं उनसे अपन क्या कर सके, फ्यूल बना सके, बायो कम्युनिटीज जो होती है, बायोडिग्रेडेबल,
तो क्या हो रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने क्या किया है, 3 साल के लिए 11 करोड़ रुपए की डील साइन करी है। किसके साथ में? ERI के साथ में। ERI क्या है? एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ताकि वो क्या कर सके, एक सेंटर बना सके जहां पे एडवांस बायोफ्यूल और बायो कम्युनिटीज के बारे में बात कर सके। ये ऐसा 5वां डेडिकेटेड सेंटर है जो कि बनाया जाएगा इस चीज को लेकर। और भी कई सारे MOUs है जो कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में करे गए, न्यू दिल्ली के अंदर जो है IIT गुवाहाटी के साथ में करे गए हैं, एक ट्रांसटेक ग्रीन पावर लिमिटेड जयपुर के अंदर वहां पे करे गए हैं। तो ऐसे कई सारी चीजों के ऊपर किया है। तो कुल मिलाकर बायो सेंटर जो है वो बिल्डअप करने की बातचीत हो रही है, और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कई जगह पे कमर्शियली और हमारे गवर्नमेंट के अंदर कामों के अंदर भी बायो टेक्नोलॉजी, बायो फ्यूल जो है और बायो कम्युनिटीज है उसको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा है, बिल्कुल क्लीन एनर्जी और बहुत ही चीप एनर्जी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, और यहाँ पे पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बीवी को छोड़ दिया है, बीवी है असिया बीवी है ब्लैस्फेमी केस के अंदर। देखिए मुद्दा क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा जान के थोड़ा अजीब भी लगेगा और पता लगेगा कि अपने नेबरिंग कंट्री में हो क्या रहा है एक्चुअली में। पहले तो यार अपने व्हाट्सएप में शेयर कर दो क्लासेस को लेकर कि अपनी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं, तो 10-12-15 मिनट हो चुके हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है सीखने को। तो अपने व्हाट्सएप में जल्दी से अपने सभी दोस्तों को ग्रुप के अंदर शेयर कर दो क्लास का, ताकि और बच्चे जुड़ सके। चलिए देखते हैं पाकिस्तान में मुद्दा एक्चुअली में रहा क्या। देखिए हुआ क्या था दोस्तों, काफी साल पहले की बात है, एक असिया बीवी करके पाकिस्तान के अंदर एक वहां के सिटीजन है जो कि क्रिश्चियन वुमेन है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था कि ब्लैस्फेमी केस क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को अनादर करते हो, ठीक है, आदर नहीं करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में एक सेक्शन है 295, ठीक है, पाकिस्तान में एक सेक्शन है 295 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। क्या होता है कि अगर आप प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ अगर आप कुछ भी ऐसा गलत बोलते हैं या फिर अगर आप गलत कोई कमेंट करते हैं, तो आपको वहां पर सजा का प्रावधान है। इनफैक्ट आपको डेथ, यानी कि आपको जो डेथ तक की भी सजा जो है वो मिल सकती है। और ऐसा नहीं है कि पहले हुआ नहीं है, ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर 1987 से 2014 तक की बात की जाए ना, तो नियर बाय 1000 लोग के आसपास है जहां पे उनके ऊपर इस तरीके के चार्जेस है जो कि लगाए गए हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉन मुस्लिम, जैसा कि आपको पता है, और उनके ऊपर ब्लैस्फेमी केसेस लगाए गए। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पास में हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी लोग आपके सामने बने हुए ना, मुमताज कादरी है, उनको भी गिल्टी मान लिया गया इस केस के अंदर और उनको डेथ की सजा दे दी गई। वैसे 2011 के अंदर एक माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर थे शाहबाज भट्टी, ठीक है, एकमात्र क्रिश्चियन थे कैबिनेट के अंदर, उनको भी गोली मार दी गई इस्लामाबाद में। पाकिस्तान गवर्नर थे सलमान, उनको भी मर्डर कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आसिया बीबी का एपिसोड तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो इन्होंने एक्चुअली में क्या किया, क्योंकि चाय वाय के ऊपर कोई बातचीत चल रही थी, तो इन्होंने अपने कोई व्यू पॉइंट दिए जिसको लेकर कोई वो कमेंट जो थे वो थोड़े डेरोगेटरी हो गए, ब्लैस्फेमी का उनके ऊपर केस लग गया। अब ये जो लोअर कोर्ट था उन्होंने क्या कर दिया, इनको लोअर कोर्ट ने इनको सजा दे दी मौत की। फिर उसके बाद में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर केस गया, उन्होंने भी इसको कंटिन्यू रख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कि देखो बात बिल्कुल सही है, अपने देश में पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेकिन अभी ऐसे कोई एविडेंसेस नहीं मिले जिसके तहत ये प्रूव हो कि इन्होंने ऐसे कमेंट करे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो बरी कर दिया इस केस के अंदर, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो प्रूव ही नहीं कर पाया अपने चार्जेस। भाई बोले जाने वाली बात की कोई वैल्यू थोड़ी ना होती, आपके पास प्रूफ होने चाहिए ना, सॉलिड एविडेंस होने चाहिए ना। तो इस तरीके का वहां पे ये पूरा का पूरा केस है जो कि काफी हाईलाइटेड है एंटायर दुनिया के अंदर। ट्रायल कोर्ट ने इनको डेथ तक की सेंटेंस दी, लाहौर हाई कोर्ट ने फिर इनको डेथ तक की सेंटेंस दी, ठीक है। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है और बाकी दो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत अंतर है। अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जब अपने 1947-50 के टाइम पे बनाया गया था, तो अपना क्या है दोस्तों, अपना जो संविधान बनाया वो ये देख के बनाया कि कभी भी किसी जो इनोसेंट है ना उसको सजा ना हो, भले जो कल्प्रेट है वो छूट जाए हमें चलेगा, लेकिन जो इनोसेंट लोग है उसको किसी भी तरीके से कभी भी कोई सजा ना हो। बाकी देशों की बात करूं वहां पे ये है कि इनोसेंट भले पिस जाए, लेकिन जो कल्प्रेट है उसको कभी भी माफी नहीं मिलनी चाहिए। तो अपना थोड़ा सा यहाँ पे सीध उल्टा है और अच्छा भी है, जो अपने अपने लिए क्या है कि अपने जो इनोसेंट होते हैं उनके लिए कभी भी उनके लिए काफी दरवाजे जो है वो खुले रहते हैं। तो हमारे लिए बोलते हैं कि हमारे केस सॉल्व नहीं होते, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, वो इसीलिए मिलती रहती है क्योंकि हम चाहते हैं जब तक हमारे पास सॉलिड एविडेंस ना हो तब तक हम किसी को भी कल्प्रेट घोषित ना करें, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनको मना कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन जो लोअर कोर्ट है और जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने तो उनको मौत की सजा को बरकरार रख दिया, जबकि ऐसे कोई सॉलिड एविडेंसेस जो है वो नहीं मिले थे। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा मुद्दा समझ गया आ गया होगा और ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और ये देखिए ये सब जो मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है, ब्लैस्फेमी लॉ है वहां पे, मैंने आपको बताया था ना सेक्शन 295 सी है वहां पे सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ऐसा होता है ना। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं,
अभी तो आपको इंडियन आर्टिकल से ही पता लगते थे, अभी तो कुछ दिनों से आपको यूएस के आर्टिकल, पाकिस्तान के आर्टिकल, कई सारे आपको वहां पे भी ये सब देखने को मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे ठीक है, सीडीएस की क्लासेस के लिए बोल रहे हैं करंट अफेयर। तो स्वास्तिका पांडे, सीडीएस के लिए मैंने आपको कि मैं आपको 14 या 15 18 तारीख को आएगा आपका पेपर है, तो मैं 12 तारीख के बाद में 13 या 14 तारीख को आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर आपको पिछले 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट डिफेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सारा अपन डिस्कस कर लेंगे। तो निश्चिंत रहिए, देखिए लोड मत लीजिए, मैंने कमिटमेंट दिया है, तो आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम इन दैट। मैं हमेशा आपको जो बोला है वीडियो प्रोवाइड किया, यार एक न्यूक्लियर वाला रह गया था, ठीक है, बाकी इसके अलावा तो ऐसा कोई वीडियो रहा नहीं है, तो मैं आपको दे दूंगा 14-15 तारीख को, आप बिंदास रहिए, टेंशन मत लो, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पे छोटी सी न्यूज ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपने कैडबरी सुना ना, कैडबरी जो अपनी चॉकलेट का, बॉर्नविटा का जो ब्रांड है, जिसकी जो उसकी पेरेंट कंपनी है मॉन्डेलीज, मॉन्डेलीज क्या है, ओनर है कैडबरी ब्रांड का, जो कि चॉकलेट और बॉर्नविटा इन सब का है, तो वो अपना क्या रिसर्च डेवलपमेंट एंड क्वालिटी टेक्निकल सेंटर सेटअप करने वाला है, कहां पे, थाने के अंदर। थाने कहां पर है, मुंबई के अंदर, ठीक है। तो R&D सेंटर बना रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट क्वालिटी टेक्निकल सेंटर, कहां पे, मुंबई के अंदर। $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नए सारे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, और ये उसका 10वां रिसर्च सेंटर है कंपनी का, और भारत में पहला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पेपर में पूछेंगे कि कौन सी कंपनी ने पुणे में सेटअप किया है। चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ बात करें तो एक तो यहां पे होने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग की, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अलावा एक पंकज आडवाणी है, उन्होंने भी यहाँ पे मेडल जीता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्नूकर टाइटल, कौन सा है, एशियन स्नूकर टाइटल है जो उन्होंने जीता है। तो 19 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, कितनी बार, 19 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन पंकज आडवाणी। उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, बिफोर द वर्ल्ड चैंपियनशिप बाय विनिंग द सेकेंड लेग ऑफ एशियन स्नूकर टाइटल, चाइना के अंदर हुआ था तो वो उन्होंने जीत लिया है। चलिए ये बात ध्यान रखनी है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है, ये है आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप से, ठीक है, AIBA वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो होने वाली है बॉक्सिंग की, और आपको बताइए मैरीकॉम तो है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, इसके साथ में वो अपने इस चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई गई है इंडिया के द्वारा, ठीक है, जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, BFI जिसको अपन कहते हैं, अजय सिंह। तो अजय सिंह ने अनाउंस किया है कि जो ब्रांड एम्बेसडर है इस टूर्नामेंट की वो कौन है, मैरीकॉम है। ओके, और बहुत बड़ी कौन, आपको पता है कि स्टार है भी हैं ये बॉक्सिंग की दुनिया में, मूवीज, बस प्रॉब्लम ये है कि मूवी आने के बाद में दुनिया को पता लगा इनके बारे में, लेकिन एक्चुअली में उससे पहले भी इनके बहुत बड़े अचीवमेंट रहे, ठीक है, वो तो मूवी आने के वजह से, लेकिन प्रॉब्लम यही है हमारे देश में कि अगर एक स्पोर्ट्समैन को अपने अचीवमेंट्स बताने के लिए एक मूवी का सहारा लेना पड़ता है, मतलब एक्चुअली में क्या वो तो नहीं बताते आगे होकर, लेकिन हाँ जो फिल्म प्रोड्यूसर्स है वो उनके ऊपर बनाते हैं, उसके बाद में देश को पता लगता है, तो ये गलत चीज़ है यार, इनकी मेहनत जो है वो कि एक मूवी के बिहाफ पे आप नहीं मेजर कर सकते हो ना। तो सरिता देवी भी जीत चुकी है पहले मेडल, और साथ में ये भी जीत चुकी है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना, काफ़ी बड़ी टीम है इंडिया की जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। चलिए आगे चलते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया ना इंडिया के अंदर होगा, न्यू दिल्ली के अंदर होने वाली है, इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है उसके अंदर ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं पेज नंबर 20 की तरफ, पेज नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पे एक तो ये इंडियन की न्यूज इंपॉर्टेंट है और एक नासा की भी न्यूज इंपॉर्टेंट है। देखिए नासा का कैपलर स्पेस जो टेलीस्कोप है ना वो रिटायर हो रहा है, नासा का जो ये कैपलर टेलीस्कोप है ये दोस्तों नासा का सबसे सक्सेसफुल मिशन में से एक है, टेलीस्कोप जो है ना ये वो टेलीस्कोप है जिसने क्या किया है कि अपने पूरे जीवन में पिछले 10 सालों के अंदर मैक्सिमम जो वो करी है डिस्कवरीज, किसी भी प्लेनेट के बारे में बताना, पूरे यूनिवर्स के बारे में बताना, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें सबसे ज्यादा सक्सेसफुली इसने इंप्लीमेंट करी है। तो पूरा डेकेड चलने के बाद में फाइनली ये रिटायरमेंट की उम्र में आ चुका है, क्योंकि इसका जो फ्यूल है वो खत्म हो रहा है, तो इसीलिए जो नासा का कैपलर स्पेस टेलीस्कोप है वो रिटायरमेंट पे आ चुका है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे हो, ये वाली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन वाली, ये क्या है, देखिए दोस्तों एक इंडियन स्टूडेंट है यूएस के अंदर, उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया है, उस एल्गोरिथम से क्या होगा कि अगर आपको कहीं पर भी गाड़ी पार्क करनी है, ठीक है, तो आप अपने जो डेटा एनालिटिक्स है उनको यूज करोगे, और उसके बाद में आपको जो पर्सन के जो टाइम है, मनी है, उसके हिसाब से आपको पार्किंग स्लॉट जो है वो बता दिया जाएगा। तो साई निकिल रेड्डी करके पर्सन है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा है, ठीक है, वहां पे ये स्टूडेंट है, तो उन्होंने यहाँ पे सेकंड प्राइज जीता है 2018 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओपन हाउस कॉम्पिटिशन के अंदर। तो उनकी इस क्रिएटिविटी के लिए उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। डेटा एनालिटिक्स की मदद से, डीप लर्निंग की मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन की मदद से ये जो पार्किंग स्पॉट की जो प्रॉब्लम है उसको रिजोल्व कर रहे हैं। ओके, तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कभी तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रेड्डी से नाम ध्यान रख लेना, काम हो जाएगा।
टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ चलते हैं। अमेज़न ने क्रेडिट कार्ड के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ में साझेदारी करी। तो अमेज़न पे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो आपको, अगर आपके पास में आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको कई सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, जैसे कि 5% शॉपिंग के ऊपर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, एक्चुअल मनी के अंदर भी कन्वर्जन हो जाएगा वॉलेट के थ्रू। तो ये सारी चीजें जो कि हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अमेज़न के बारे में आपको बताइए, जेफ बेज़ोस सीईओ वॉशिंगटन हेडक्वार्टर, जेफ बेज़ोस दुनिया के पहले पर्सन है जिन्होंने $100 बिलियन की नेटवर्थ जो है, ठीक है, वो कंप्लीट करी है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई, और संदीप बख्शी अभी इसके एमडी और सीईओ है। फुल फॉर्म बताया ना आईसीआईसीआई बैंक की, बहुत बच्चों को पता नहीं होती है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। साथ में मलाला यूसुफजई को ऑनर किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ये ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज है। तो जिस तरीके से ये प्रमोट कर रही है गर्ल्स एजुकेशन को, उसी चीज को लेकर इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है, ग्लिट्समैन अवार्ड इसको कहते हैं। और 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था, एक एलन जो नाम है उनके नाम के ऊपर, और एक्सेप्शनल जो लीडर्स होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, जो सोशल चेंज लेके आते हैं, उनके ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि नेल्सन मंडेला हुए, और भी कई सारे लोग हैं जिनको इस अवार्ड से पहले नवाजा जा चुका है। पहले जो थे वो नेल्सन मंडेला, ओके, और जिंगशेंग थे, जिनको जो कि पहले रेसिपिएंट थे इस अवार्ड के। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर जो भारत की रैंकिंग है, ये आपको ध्यान रखनी है। वीजा फ्री एक्सेस टू 66 कंट्रीज हमें मिलता है इसके साथ में, ठीक है, यहाँ पर रैंकिंग जारी करी गई है। ओके, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। और सबसे ऊपर जो है वो तो मैंने आपको बताया था, सिंगापुर है द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। ओके, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, अगर ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, तो इससे क्या होता है कि कौन से देश के अंदर कितनी पासपोर्ट की उसकी पावर है, कंट्रीज जो है उसका कितनी होल्ड करता है वो विदाउट वीजा या वीजा ऑन अराइवल कितना उसके पास में है, इस चीज को लेकर ये जो रैंकिंग है वो बनाई जाती है। तो 66 रैंक है भारत की, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, लेटेस्ट रैंकिंग है जो कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज करी है, किसके द्वारा, फर्म हेनले एंड पासपोर्ट के द्वारा। तो किसके द्वारा रिलीज करी गई है ये भी आपको ध्यान रखना है ना, कई बार क्या होता है कि दो तीन सोर्सेज से रैंक जारी होती है तो थोड़ी वैरी भी कर जाती है। सेशल्स ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला सोवरेन ब्लू बॉन्ड। अब ये सोवरेन ब्लू बॉन्ड क्या आ गया दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है। आपको पता है जो सेशल्स, मालदीव्स और मॉरिशस, ये सारे इंडियन ओशन कंट्रीज है। अब यहाँ पे क्या है कि जो सेशल्स है उसने क्या किया है, सिंपल से बात है, आइलैंड कंट्री है तो उसके पास में ब्लू ओशन पूरा का पूरा है जहां पे वो बिजनेस कर सकता है। तो वहां पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, मरीन लाइफ के अंदर और समुद्री इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, एक ब्लू बॉन्ड जारी किया है। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी जो लोग हैं वो सपोर्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल मरीन को, फिशरीज प्रोजेक्ट को। उन्होंने $15 मिलियन भी रेज कर लिया है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू इस चीज के द्वारा, ताकि जो वो कैपिटल मार्केट है फाइनेंशियल का मरीन रिसोर्सेज के द्वारा, वो उसको आगे बढ़ा सके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कर्नाटक ने लॉन्च किया एसटीएससी एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम। तो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, तो कर्नाटक ने लॉन्च किया एसटीएससी प्रोग्राम जिसके अंदर 30 प्राइवेट कंपनियां जो है वो स्किल डेवलपमेंट कराएगी यंगस्टर्स का, जो कि इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड सेक्शन से होंगे। ओके, तो जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इस काम को किया जा रहा है, और 10 लाख रुपए वो भी मदद भी दी जाएगी, जो अपने खुद की आउटलेट बनाना चाह रहे हैं एसटीएससी वाले तो उनको मदद भी दी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा योजना इनके द्वारा चालू करी गई है। साथ में केरला ने अचीव किया है हाईएस्ट एनुअल डिक्लाइन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यानी कि केरल ने शिशु मृत्यु दर में सबसे ज्यादा वार्षिक गिरावट प्राप्त करी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपको पता है केरला बहुत चीजों में आगे है। तो हेल्थ मिनिस्टर जो है जेपी नड्डा जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया 5वां नेशनल समिट ऑन गुड एंड एप्लीकेबल प्रैक्टिस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। ये तो मैंने आपको बताया था, तो यहीं पे उन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बातचीत करी, और केरला को नंबर 1 रैंक दिया गया है हाईएस्ट एनुअल डिक्लाइन, जिस तरीके से मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है उस चीज को लेकर। सेकंड पे मिजोरम, थर्ड पे कर्नाटक, तीनों ध्यान रखने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2015-16 की बात करें तो पहले हिमाचल प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अभी केरला बन चुका है। वेस्ट बंगाल जो है वो फैमिली प्लानिंग में नंबर 1 पे है। इसके अलावा रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है। तो ये 2-3 चीजें भी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस करी, काफी कुछ चीजें जानी समझी। उम्मीद करता हूं आपको काफी पसंद आया होगा, काफी कुछ आपने नया सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लाइफ पे दोनों में बहुत काम आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है या अगर आपके परिवार में और नॉलेज चाहता है तो उनको रेफर करें, उनको बोले डेली आधा घंटा दो, आपको न्यूज़पेपर से 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी।
और आपका जो टाइम है वो इफेक्टिवली यूज होगा, क्योंकि आपको पता है न्यूज़पेपर में क्राइम की कितनी सारी न्यूज होती है और बहुत सारी चीजें होती है जो कि 80% न्यूज़पेपर अपने कभी काम का नहीं होता, आप सभी को मालूम है, चाहे वो कोई सा ही हो। जो 20% होता है उन सभी को कोलैबोरेट करके अपन एक बहुत ही अच्छा सेशन लेके आते हैं जो कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कई सारे बच्चे हैं जो कई बार कमेंट करते हैं कि सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब के अंदर है, इवन दो वो देखते हैं करंट अफेयर को और काफ़ी एंजॉय करते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि प्रिपरेशन कर रहे हो वो अलग बात है, अच्छी बात है, उसके लिए तो है ही, लेकिन बाकी सबके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शेयर किया करो जितना हो सके। साथ में चलते हैं आप फन फैक्ट विद वाइफ स्टडी की तरफ। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, एक बार क्या होता है, चिंगेज खान का नाम आपने सुना होगा ना, तो 1222 मिलियन 17 लाख लोगों को एक घंटे के अंदर जो है ना वो मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों बहुत ज्यादा मतलब जान के अजीब लगा होगा चिंगेज खान के बारे में आपको कि उसने 1.7 मिलियन कितने ज्यादा होते हैं यार, ठीक है, तो इतने लोगों को एक घंटे के अंदर, ओके, और आपको पता ही है कि ओके मंगोलियन था चिंगेज खान, आपको पता ही है ना ये सब, तो 1162 के अंदर इसका बर्थ हुआ था और 1927 के अंदर चाइना वाला जो एरिया है वहां पे इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो और पूरे के पूरा मंगोलिया वाला एरिया के अलावा जो आसपास का जो एरिया है वो पूरा का पूरा इसी ने पूरा का पूरा टेक ओवर कर रखा था, और खान करके एक डायनेस्टी थी, ठीक है, तो उससे ये बिलोंग किया करता था और काफी मैसेकेयर जो है इसने वहां पे मचाया था पूरे उस वाले एरिया के अंदर। इंडिया कभी नहीं आया, मैंने आपको पहले भी बोला है ये, ओके, द फाउंडर है ये फर्स्ट ग्रेट खान ऑफ द मुगल एम्पायर के, और लार्जेस्ट कंटिजुअस एम्पायर हिस्ट्री के अंदर इनका रहा है अपने दैत तक का, तो कई सारे नोमैडिक ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया एशिया की जो है वो इन्हीं के ग्रुप के अंदर हुआ करती थी, जहां जाते थे वहां पे पूरे के पूरा तबाही मचा दिया करते थे, ठीक है, इनके कॉन्कर से पूरी दुनिया डरती थी उस टाइम के ऊपर, पूरी दुनिया उस टाइम पे डरा करती थी, तो और आदत हुआ करती थी गले के अंदर हड्डियों की जो माला है वो पहनने की खोपड़ियों की, और सबसे पहले ये क्या किया करते थे कि जो लोगों के आर्मी के जो जहाँ पे हथियार रखते हैं ना हथियारों को खत्म किया करते थे, और वो खत्म करने के बाद में जो सेना है वो आधी तो वैसे डर जाया करती थी, और जब इतनी डर जाया करती थी तो उसके बाद में सेना पे अटैक करते थे, तो सेना अगली वाली क्या करती थी हाथ खड़ा कर देती थी, तो यूरेशिया वाले एरिया के अंदर उन्होंने काफी तबाही मचाई, और 1.7 मिलियन है, बहुत बड़ा नंबर है यार, इतना बड़ा जेनोसाइड उन्होंने उस टाइम पे किया, बहुत ही ब्रूटली कैंपेन है जो कि इनका हुआ करता था उस टाइम के ऊपर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप सब ये ध्यान रखेंगे छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, अब चलते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, ऑलरेडी सेशन बड़ा हो चुका है तो स्टेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि है 2018 का ग्लिट्समैन पुरस्कार से कौन सम्मानित किया जाएगा। किस देश ने दुनिया का पहला संप्रभु ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया है। तीसरा क्वेश्चन है 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील कौन चुने गए हैं रिसेंटली। हाल ही में 3 अग्नि क्रैकर को कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सीएसआईआर द्वारा जारी किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कम प्रदूषणकारी फायर क्रैकर नहीं है। तो 3 आपको बताया कि कम प्रदूषण वाले फायर क्रैकर है वो रिलीज करे गए सीएसआईआर के द्वारा बनाए गए, तो कौन सा वाला नहीं है ये आपको बताना है। अगला सवाल है भारत ने मेक इन इंडिया योजना के तहत रक्षा क्षेत्र में भाग लेने के लिए इस देश को आमंत्रित किया, किसको आमंत्रित किया है ये आपको बताना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में प्रौद्योगिकी सुरक्षा केंद्र की सुविधा केंद्र की पत्थर की नींव रखी, फाउंडेशन रखा है फैसिलिटी सेंटर का आपको बताना है। अभिनेता अनुपम खेर ने इस भारतीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप से इस्तीफा दे दिया है। यह देश दक्षिण ध्रुव में अपना पहला स्थायी हवाई अड्डा बनेगा, कौन सा वाला बनेगा यह आपको बताना है, कौन सा कंट्री बनाने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन है कि विशेष मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर, ठीक है, यह है एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ने किसने मंजूरी दी है, किसने इसके लिए मंजूरी दी है यह आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सुबह वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, और अभी आपके 9 बजे की क्लास स्टार्ट हो रही है जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग की, उसको भी ज्वाइन जरूर करेगा। तो आज के लिए इतने गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।